हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज है संडे और संडे को आपका होगा हर एक दिन टेस्ट। टेस्ट मतलब आपका हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट। जैसे आज होगा साइंस का, अगले संडे होगा मैथ का, फिर सामाजिक विज्ञान का। हर एक संडे आपका टेस्ट कराया जाएगा। ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका टेस्ट लिया जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी टेस्ट में जुड़ सके। दोपहर में आपका टेस्ट होगा हर एक संडे। तो ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें जितने भी VVI क्वेश्चन हैं वो आपके साथ पढ़ाए जाएंगे। क्लास 10 साइंस टेस्ट में आप लोगों को करना क्या है, जितने मेरे क्वेश्चन हैं उसका एक आप लोग नोट बनाइए और उसमें आप देखिए कितने आंसर कर पाते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आप टिक लगाओ, अगर आपका सही है तो आप अपनी कॉपी में एक नंबर जोड़ लो, अगर आपका गलत है तो आप मत जोड़ो। ठीक है, चलो फिर पहला क्वेश्चन है कि व्रंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जैसे जो व्रंजक चूर्ण होता है, अगर हम उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पता है कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो कौन सी गैस निकलती है ये आपको पता है या नहीं? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टिक लगाओ, आप लोग गेस करो कौन सा सही हो सकता है। अगर सही होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, वैसे मैं आपको बता दूं कौन सी गैस निकलेगी, वो आपका होगा क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। अब कैसे निकलेगी ये तो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आप जैसे व्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ओके, अब इसमें आपको किसको, H2SO4 को प्रवाह करना है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि यह है व्रंजक चूर्ण, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगर आप इसका प्रवाह करोगे तो देखो क्या निकलेगा, जैसे CaCa एंड SO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या, ये आपका हो गया एंड H2SO4 यानी कि H2O हो जाएगा, H2O प्लस Cl2, और Cl2 जो है ना ये गैस है और गैस ऐसे ऊपर की ओर रहेगी और ये क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। और आपकी, आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे निकलती है। तो आप लोग बताओ कितने स्टूडेंट का सही है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही है, कितने का गलत है, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड आप लोग अपने उस पर टिक लगा लो कॉपी में, सही होगा तो सही का, गलत होगा तो गलत का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या है, ए उपधातु, वी मिश्र धातु, सी एंड आधातु, डी विस्मांगी मिश्रण। तो बताओ पीतल क्या है, पीतल आपका क्या है, आप लोग जल्दी से गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आपका जो पीतल है, पीतल आपका मिश्र धातु है। कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे मिश्र धातु ऐसे है ना कि इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, मिश्र धातु जैसे मिश्रण होता है धातुओं का, तो इसमें दो धातुएं पाई जाती हैं। एक तो 70% आपका क्या पाया जाता है, कापर। क्या पाया जाता है, कापर। एंड आपका 30% जिंक पाया जाता है। तो इसमें दो धातुओं का मिश्रण है यानी कि जिंक और कापर का, इसलिए जो आपका आपका जो पीतल होता है वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। पीतल आपका मिश्र धातु है क्योंकि इसमें 70% कापर पाया जाता है और 30% जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाऊंगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे ये रुको थोड़ा, हाँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है और मैग्नीज का Mn होता है, से अभिक्रिया करके किसका निर्माण होता है, गैस का नहीं, कौन सा गैस निकलता है नहीं बताना है, किस चीज़ का निर्माण होता है ये बताना है। तो पहले देखो MnSO4 एंड Mn2O3 एंड MnO4 एंड MnO, तो इसमें से क्या निकलता है ये तो मैं पहले आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले गैस कर लो क्या निकल सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी पदार्थ बनेगी, किसका निर्माण होगा। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि इसका निर्माण होगा, वो होगा MnSO4 का। अब कैसे होगा ये मैं आपको नीचे समझा देता हूँ कैसे होगा। देखो, अगर आपने H2SO4 में किसके, यमन जो है, यमन की अभिक्रिया किससे कराते हो, H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। मैंगनीज की अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो एक बात याद रखना कि आपका जो Mn है, यहाँ Mn जो है ना वो SO4 के साथ निकल जाएगा, MnSO4 हो जाएगा। एंड आपका जो यहाँ कौन निकलेगा, H2, MnSO4 एंड H2 बाहर निकल जाएगा। अगर गैस पूछता कौन सी गैस निकलती है तो आपको H2 यानी कि हाइड्रोजन बता देंगे, भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है आप लोग जल्दी से बताना, अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि जो आपका यहाँ समझो कि एसेटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, एसेटिक अम्ल में हमेशा याद रखना, अगर आप आईयूपीएसी नाम पढ़े होंगे तो मैंने पढ़ाया है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं दोबारा आईयूपीएसी नाम का वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो एसेटिक अम्ल का जो मतलब इसमें कौन सा समूह है वो आप समझ लो, यहाँ सिंगल बार सी डबल बार सी एंड वी है, सिंगल बार सी डब्ल्यू एच एंड ये सी है, ये सी कर लो, एंड सिंगल बार ओ एच एंड डी है सिंगल बार ओ आर। अब इसमें कौन सा समूह है, वैसे सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच का फार्मूला होता है, तो जो आपका सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच होता है तो इसमें आपका सी डब्ल्यू एच क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह होगा, क्योंकि इसका जो मतलब एथेनोइक अम्ल होता है और नोइक जिसमें जुड़ता है आईपीएसी नाम में, उसके जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो सी डब्ल्यू एच होते हैं। इसलिए आप याद रखना कि एसिटिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा सी डब्ल्यू एच, वो भी सिंगल बाइंड में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि ऑक्सीजन का संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता समझने से पहले मैंने आपको अभी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, उसी से ये निकलता है। जैसे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एंड 2 एंड 6, ठीक है 2 एंड 6। अब देखो 8 8 जो होता है उसके अगर देखो 4 अगर हो 3 हो तो उसकी संयोजकता हो जाती है, लेकिन अगर 6 है तो 8 में से कितना 2 बचेगा, यानी कि इसकी जो संयोजकता कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 8 में से आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा 2, तो यही इसकी संयोजकता हो जाती है 2, क्योंकि 8 के पास आस पास अगर आ जाए 7 7 अगर आ जाए लास्ट में तो आपका एक संयोजकता होगा, 8 में से 7 घटाना है। अगर आपका 6 है तो 8 में से 6, अगर 5 है तो 8 में से 5 घटाओ 3 होगा, अगर 4 है तो 4 आपका नहीं एंड अगर 3 है तो नहीं घटाया जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आस पास होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये इसकी 2 संयोजकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी 2। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीजन की संयोजकता में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन समझो, जैसे अगला क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा था, अभी जल्दी पढ़ाया है फुल चैप्टर इन वन वीडियो जैव प्रक्रम का, उसमें मैंने बताया था यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि क्या स्रावित करता है और मैंने बहुत डिटेल में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, लार या फिर जठर रस या फिर अग्नाशय या पित्तरस, तो जल्दी से बताओ क्या स्रावित करता है। तो यकृत जो है ना, आप सही है, यकृत यकृत जो है ना वो पित्तरस को स्रावित करता है, और आप लोग जल्दी से बताना किस किस का सही गया है, किस किस का गलत गया है, क्योंकि ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें जानना है कि कौन स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, कौन अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपका टेस्ट भी संडे टेस्ट है, ये आपका संडे टेस्ट भी कराया जा रहा है कि आपका और अच्छे से तैयारी हो, क्योंकि संडे टेस्ट आपको कोई नहीं कराएगा जल्दी, बट मैं आपको करा रहा हूँ कि आपकी और अच्छे तैयारी हो, आप ज़्यादा मोटिवेट रहें टेस्ट में, जितने अच्छे नंबर लाओगे उतने अच्छे आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लाओगे, उतना ज़्यादा अगर आपके कॉलेज में टेस्ट हो तो आप अच्छे नंबर लाओगे, ऐसे में होगा क्या कि आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, और अगर आपका मनोबल बढ़ा रहेगा तो आप सब कुछ टॉप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो अगर मोटिवेट रहोगे जितना ज़्यादा उतने अच्छी आपकी पढ़ाई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचो ज़्यादा नंबर लाने का, अगर आपका दिल से पढ़ते हो ना तो जितना मैं क्वेश्चन पूछूंगा उतना आप सब कुछ बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, मनुष्य में जो लार ग्रंथि होती है ये इसकी संख्या कितनी होती है। देखो 2 जोड़ी, वी है 3 जोड़ी, सी है 4 जोड़ी, डी है 5 जोड़ी, और लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है, और 6 होती है तो उसको अगर जोड़ी में करना है तो 2 से भाग दे दो, इसका मतलब आपका 3 जोड़ी होगा। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी। ओके, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी, 3 जोड़ी। अब एक छोटा सा काम करना, जैसे मैं इतना सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूँ, तो मैंने अभी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब NA की संयोजकता कितनी होगी 11, एंड अब मैं आप परमाणु क्रमांक भी नहीं बताऊंगा, आप परमाणु क्रमांक याद करो, जिंक की संयोजकता कितनी होगी, एंड जो आपका मैग्नीज, जो आपका चलो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी,
कापर की संयोजकता कितनी होगी? इन चार तत्वों का आप संयोजकता बताओ, Na सोडियम, जिंक, कैल्शियम एंड कॉपर, इन चार की संयोजकता आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट है, अगर आप इन सब का आंसर बता ले जाओगे तो आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। चलो फिर अगले टेस्ट की ओर, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक कोशिकीय पादप, जो एक कोशिकीय पादप कौन है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मतलब इसमें एक कोशिकीय पादप है और इसमें अलैंगिक जनन, एक कोशिकीय में अलैंगिक जनन होगा क्योंकि उसमें एक कोशिका होती है और एक कोशिका अमीबा, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, युग्मक द्वारा, आचल बीजाणु द्वारा। तो ये तो अलग बात है मुकुलन द्वारा, ये भी युग्मक द्वारा तो हमारे समय होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब इन दोनों में से देखो, चल बीजाणु द्वारा होता है या फिर अचल बीजाणु द्वारा होता है। तो ये याद रखना कि जो एक कोशिकीय पादप होते हैं क्लाइडोमोनास में, चल बीजाणुओं द्वारा क्या होती है? जनन होता है, जन्म होता है। ठीक है, इनमें यही जनन होता है चल बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, मेंडल के पादप के, मेंडल के मटर के पादप के कितने बीतेरियासी लक्षण का अध्ययन किया था? अब आप लोग जल्दी से सोच लो कितना हो सकता है, क्योंकि ये सब पढ़ाया गया है और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि नहीं? मैंने अनुवांशिकता जैव विकास का चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको पढ़ाया था कि दो तो आपके नहीं होते, दो लक्षण में कुछ नहीं होता, एंड चार भी नहीं होते, चार में नहीं होता, एंड छः भी नहीं होते, सात होते हैं। जैसे गोल होता है तो उसका, जैसे लंबा होता है तो बौना होता है, गोल होता है तो झुर्रीदार होता है, एंड ऐसे सात लक्षण थे, लाल, पीला, सफ़ेद, ऐसे कई सारे लक्षण थे, सात लक्षण थे, और सात में से सातों, सॉरी सब पे गलत मार दिया, सात लक्षण थे और सात में आप सातों याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है कि जैसे प्रकाश, प्रकाश का तरंग धैर्य होता है, जैसे प्रकाश का तरंग धैर्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम, एंड 3500 से एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम, एंड 5000 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो सकता है ये आप लोग गेस कर लो, 4000 से 8000 या 3000 से 4500 या 3500 से 5500 एंगस्ट्रॉम या फिर 5000 से 9000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका कौन सा सही हो सकता है वो आप लोग गेस कर लो, सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल लेंस कह रहा ना, दर्पण, दर्पण उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा, तो इसलिए आप लोग समझ लो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी ही होगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है ना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये आपका धनात्मक होगा, एंड आपको वक्रता त्रिज्या की बात कर रही है आर का, आर आपको ज्ञात करना है। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जानते हो एफ बराबर आर बाई टू, बट अगर r बराबर पूछा जाए तो r बराबर f एंड इंटू टू, यानी कि r बराबर एंड 20 है ना, ये 2 इंटू 20 एंड r बराबर इतना हो। और हमेशा याद रखना कि फोकस दूरी कम होगा और वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो होता है ना फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगर आपका ये 10 है तो इसका 20 आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर इसका 15 है तो इसका 30 आएगा, अगर इसका 100 है फोकस दूरी तो ये 200 आएगा, क्योंकि ये आपका नियम है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हमेशा क्वेश्चन लगाओ, अगर ये आपका आधा है इसका दो गुना है तो आपका आंसर सही है, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है और ट्रिक है। तो यहाँ आपका कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा इसकी वक्रता त्रिज्या। ओके, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का बुक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन पदार्थ की चाल 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से लगाते हैं, ठीक है, अच्छे से लगा लेते हैं। देखो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दो कि जैसे यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा,
तो अच्छे से समझ लो, वैसे तो दो होगा, दो होगा, दो तो आपका सही है, मैं पहले बता देता हूँ, दो होगा। लेकिन कैसे आया है ये मैं आपको बता दूँ। जैसे वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अब देखो जैसे पदार्थ है ना, तो ये होगा वायु में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, अब कैसे आया दो वो मैं आपको पूरा बताता हूं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ है, एंड माध्यम में प्रकाश की चाल यहां दिया हुआ है, ये 1.5 × 10⁸ है, ये 8 से 8 कट जाएगा, 1.5 अगर 2 हो जाएगा, 1.5 × 2 = 3, तो यहाँ आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका 2 आंसर हो गया, बस ऐसे ही आया है कुछ, और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे आया है 2। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये आपका 2 हो गया। देखो मानव नेत्र का भाग है, मानव नेत्र आपको पूरा बढ़िया से पढ़ाया गया है, पूरा भाग वाग अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको मानव नेत्र पढ़ाया है, और आप देखो इसमें से मानव नेत्र का कौन सा भाग है, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लिखकर अगर आप कहोगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा। जैसे दृहपटल तो एक मानव नेत्र का भाग ही है, ये तो पता है। ठीक है, चलो पुतली, पुतली का तो नाम सुना ही होगा, अगर आप आंख के बारे में पढ़ोगे तो पुतली का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, पुतली, आयरिस, आयरिस का भी नाम आता है, अब भाई क्या रह गया, तो ये सभी, और इन सबको कर दो गलत। तो ये सभी आपका सही है, क्योंकि ये सभी आपकी आंख में पाई जाती हैं, द्विपटल भी पाया जाता है, पुतली भी पाया जाता है, आयरिस भी पाया जाता है। तो आप 13 क्वेश्चन का टेस्ट ले चुका हूं, कितना आपका सही है जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, विद्युत धारा यानी कि क्यू बराबर क्या पढ़े हो, I इंटू टी पढ़े हो ना, Q बराबर I इंटू टी, यानी कि I बराबर क्या होगा, Q अपान टी। क्यों का मात्रक क्या होता है, क्यों का होगा कूलाम, और समय का सेकंड, सेकंड, तो ये जो होता है ना यही आपका एम्पियर होता है, एम्पियर, तो यही आपका एम्पियर मात्रक इसका हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, धारा का, धारा का मात्रक सीधा आप एम्पियर लगा लो, तो धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति आपके किसके बराबर होता है, यहां आपके पास ऑप्शन है ए 726 वाट, बी 746 वाट, सी 736 वाट, या डी 756 वाट। तो ये याद रखना, एक अश्व की जो शक्ति होती है ना वो होता है 746 वाट। तो आज मैंने साइंस का टेस्ट लिया, वही 15 क्वेश्चंस का। अब इन 15 क्वेश्चंस में से अगर कोई स्टूडेंट 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लेता है तो काफी अच्छा है, या फिर 8 क्वेश्चन, 8 के ऊपर अगर आप करोगे तो आप अच्छे स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने कुल चैप्टर का लिया है। 8 अगर आप 15 में से 8 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही है और आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। करना क्या है, हर एक संडे में आपको भाग लेना है, जो संडे में टेस्ट होगा, क्योंकि हर एक संडे अब टेस्ट होने वाला है, और आप लोगों का हर एक संडे 15, 20 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, और उसमें आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने हैं। विनर जो होगा, इसका विनर मैं जान जाऊंगा कौन है, उसका विनर जो होगा उसका मैं कम्युनिटी पर फोटो अपलोड कर दूंगा, उसका विनर मुझे पता चल जाएगा, जो भी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देगा उसका मैं विनर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।